भमौरी विधानसभा के ग्राम गणेशपुरा में फर्जी वोटिंग को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें गांव का मंदिर का पुजारी वोट डालने आया था, जिसके पास वोटर पर्ची थी लेकिन अन्य कोई सबूत नहीं था। जब पीठासीन अधिकारी ने उससे पहचान पत्र मांगा तो उसने मना कर दिया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने उसे बाहर कर दिया। उसके बाद उक्त व्यक्ति ने रामस्वरूप, जो कि बीजेपी का एजेंट है, उसकी ग्रीवान पकड़कर उसके साथ मारपीट कर दी। उक्त घटना बमोरी विधानसभा के ग्राम गणेशपुरा की है, जिसमें दोनों के बीच मारपीट होना बताया जा रहा है। दोनों ही व्यक्ति राजनीतिक दल के एजेंट हैं। घटना की जानकारी पीठासीन अधिकारी को दे दी गई है। जी सर, इसलिए मुझसे जानबूझ के खड़ा मेरे साथ मारपीट करी। किस बात को लेकर आती है? शुरू से ही हमारे काफी दिनों से रंजिश चली आ रही है। अच्छा। और जो मैंने इसको रोकने की कोशिश की पैसे बांटते हुए, अच्छा, तो इसने मौका मिल गया, मेरे साथ मारपीट कर दी। पोलिंग बूथ नंबर 55 से सर, बीजेपी का एजेंट है रामस्वरूप नागर और कांग्रेस का एजेंट है महेंद्र नागर। 1 बजे का टाइम बातें सर, जिसमें ना गांव का मंदिर का पुजारी वोट डालने गया, जिसका गांव में मतलब वोटिंग लिस्ट में नाम भी नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति की पर्ची ले गया, जिस अंदर गया पोलिंग में, पीठासीन अधिकारी ने उनसे पूछा कि भैया पर्ची का फ़ोटो और तेरा फ़ोटो मेल नहीं हो रहा है। तो फिर अधिकारी ने बोला कि भाई कोई भी चीज़ हो तेरे पास, वोटर प्रूफ है, लाइसेंस वगैरह, बैंक का खाता वगैरह कोई है, एक सबूत लिया। तो उसने बोला कि मेरे पास नहीं है। जिसके बाद में अधिकारी ने पूछा, बोलो भाई एजेंटों, मैंने कहा कि भाई सर आपके पास सामने व्यक्ति खड़ा है और पर्ची आपके हाथ में, देख लो, जो आपको उचित लगे वो कर लो। इतनी बात के बाद में कांग्रेस का एजेंट महेंद्र नागर ने ये कहने पे आके उठ के मेरी गर्बान पकड़ ली रामस्वरूप नागर की और खींचातानी करी और बाहर खींच के ले गया। बाहर खींचने के बाद में मारपीट करी और गांव में रहने की धमकी दी है सर। मेरे कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए। जागरण से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।